कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होली का लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा, होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई, बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा, कभी अपने भतीजे को श्राप दिया, कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं, जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी दो साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, एक साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और एक मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी, तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना, अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, चार भाई एक साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, पूरी अच्छी बढ़िया वाली साड़ी, अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, काका जोर, और पैकिंग करके, और चार भाई एक साड़ी, चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की। किसी ने पूछा कि क्यों रे, चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी, अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ, एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का, तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के तीन भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा। गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रही कि होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है,
खुर में चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे, हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। गया है शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिवजी को एक लोटा चढ़ाना।